आइए बच्चों, आज मैं हिंदी के पद्य खंड में कबीर दास जी की जो साखियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। कबीर दास जी एक अत्यंत उदार, निर्भय और आलोचक संत थे। ऐसा माना जाता है कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था। कबीर दास जी का आविर्भाव ऐसे समय में होता है जहां पूरी धरती पर बाह्याडंबर, जाति प्रथा, धर्म को लेकर के लड़ाई, एक दूसरे की आलोचना, भाषा को लेकर के अंतर विभेद, जन्म को लेकर के, मरण को लेकर के तमाम रूढ़िवादियां हमारे समाज में व्याप्त हैं। ऐसे में कबीर का अभ्युदय इन सभी रूढ़िवादियों के खंडन हेतु होता है। कबीर ने लिखा साखियां। साखी शब्द का अर्थ ही है प्रमाण, क्योंकि साखी साक्षी से बना हुआ है और साक्षी तत्सम है और साखी उसका तद्भव है। प्रमाण का अर्थ हुआ कि जो कबीर दास जी ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था उसे ही अपने साखियों के माध्यम से समाज में रखने का प्रयास किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि खुद ही कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। न तो मैंने कभी कागज छुया और न ही कभी हाथ में कलम उठाई। अपने जन्म के संबंध में भी कबीरदास जी खुद ही कहते हैं, काशी में प्रगट भयो रामानंद चेतायो, यानी मैं काशी में प्रगट हुआ और रामानंद ने मेरा मार्गदर्शन किया। और दोहों के संबंध में भी कबीरदास जी कहते हैं कि बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। मतलब अगर उनकी तुकबंदी दोहों में ठीक से हुई तब तो ठीक है, नहीं तो कबीरदास जी ने कहीं से भी शब्दों को जोड़ तोड़ करके और अपने दोहों का निर्माण कर लिया। जो साखी शब्द हम लोग, जो साखी पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें दोहे ही हैं और ये दोहे साक्षी से हैं। उनका एक ग्रंथ जिसका संपादन धर्मदास जी ने किया वह है बीजक, और बीजक के ही तीन भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। तो उस साखी में पूरे दोहे संग्रहित किए गए हैं। अपने भाषा को लेकर के कबीरदास जी ने वाणी का डिक्टेटर होने तक का गौरव प्राप्त किया और अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से इतनी ऊंचाई हासिल किया कि इस बात को चरितार्थ कर दिया कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है बल्कि व्यक्ति कर्म से महान होता है। जब कुछ उस समय के संतों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि जब तक आप काशी में नहीं मरेंगे तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इस बात के खंडन हेतु कबीरदास जी काशी छोड़ करके मगहर चले जाते हैं और वहां अपने शरीर का त्याग करते हैं और इस बात को खंडित करते हैं कि केवल काशी में मरने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता बल्कि कहीं भी पृथ्वी पर अगर हम मरते हैं और हमारे कर्म अच्छे अच्छे हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त अवश्य होगा। तो आइए एक एक करके हम इनके दोहे पर प्रकाश डालते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी पहला दोहा लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसी दोहे को हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। दोनों दोहों का अभिप्राय एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें बोलना ही है तो हम प्यारे वचन क्यों ना बोले, हम ऐसी वाणी का प्रयोग क्यों ना करें जो सभी को अच्छी लगे। आपा का अर्थ होता है घमंड, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब हृदय में तौल करके बोलिए, अंदर सोच करके बोलिए, गर्व रहित वाणी बोलिए, घमंड को त्याग दीजिए, मन से अहम को हटा करके ऐसी वाणी का प्रयोग कीजिए जो आपको भी शीतल लगे और दूसरे को भी सुख प्रदान करने वाली हो, क्योंकि वाणी में किसी तरह की दरिद्रता नहीं है। इसलिए हमें ऐसे वचन का प्रयोग करना चाहिए जो सभी को अच्छे लगे।
क्योंकि तुलसीदास जी भी इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि तुलसी मधुर वचन ते सुख उपजत चहुं ओर। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्यारा बोलने से, मधुर बोलने से चारों तरफ सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह से कबीर दास जी भी कहते हैं कि मीठा बोलने से सभी को शीतलता मिलती है, हम अपने अंदर भी अच्छा महसूस करते हैं और हमारे सामने वाला भी सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। इसलिए जब भी बोलना चाहिए तो प्यारा मधुर बोलना चाहिए और अपने हृदय से घमंड को त्याग देना चाहिए। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ है जिससे सुगंध आती है और ऐसा माना जाता है कि यह नर मृग के नाभि में रहता है। तो उसके संदर्भ में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, यहाँ क और क वर्णों की आवृत्ति है, कस्तूरी और कुंडल, इसलिए यहाँ अलंकार हुआ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब हुआ कि जब एक ही वर्ण बार बार आते हैं, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब देखते हैं दोहे को, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी जो है वह मृग के नाभि में बसती है, कुंडल का अर्थ मृग की जो नाभि है, मृग का जो एक शरीर का भाग है, मृग का अर्थ हिरण। कस्तूरी कुंडल बसे, जो कस्तूरी रूपी पदार्थ है वह हिरण के नाभि में ही बसता है। मृग ढूंढे बनमाही, और मृग जो है, जो हिरण है, वह भ्रमवश पूरे जंगल में दौड़ता फिर रहा है, चारों तरफ खोज रहा है, उसे नहीं मिल रही। उसी प्रकार से ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, केवल दुनिया उसका दर्शन नहीं कर पा रही है। क्योंकि क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मानव माया के वशीभूत है। मानव जो है वह काम क्रोध मद और लोभ में उलझा हुआ है। जिस दिन हमारे आंखों पर से माया का पर्दा हटता है उसी दिन हम ईश्वर को देख लेते हैं, लेकिन सांसारिक कार्यक्रमों में, सांसारिक मोह माया में उलझ करके हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और उस मृग की तरह भ्रमित हैं, उस मृग की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, जो मृग कस्तूरी की तलाश में पूरे जंगल के चक्कर लगाता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में, हमारी सृष्टि में, हमारी पूरी धरती पर हर एक कोने कोने में ईश्वर की व्याप्ति है, केवल हम उसे माया के वशीभूत होने के कारण नहीं देख पाते हैं, मोह से ग्रसित होने के कारण नहीं देख पाते हैं। तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहां मैं का अर्थ होता है अहम, संस्कृत में मैं को कहा जाता है अहम, और अहम का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, गर्व, दर्प, हम घमंड में चूर हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में अहंकार था तब तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक हमारे हृदय में अहंकार का भाव था तब तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। अब हरि है मैं नाही, और जब ईश्वर का दर्शन हुआ तो हमारे अंदर से घमंड और अहंकार समाप्त हो गया। क्यों? तब हमारा मेल प्रभु से होता है, और ईश्वर से मिलते ही हमारे अंदर से अहंकार गायब हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा था वह ईश्वर का ज्ञान होते ही खत्म हो गया। ज्यों ही हमारे अंतर मन में हमारे ऊपर ईश्वर का दैदीप्यमान प्रकाश पड़ा, वैसे ही हमारे अंदर के जितने अंधकार थे, जितने कलुषित विचार थे, जितनी मोह माया थे, वो सब के सब खत्म हो गए और हम ईश्वर में एकाकार हो गए। इसीलिए जब मनुष्य ईश्वर में एकाकार होता है तो उसके त्रय ताप का निवारण हो जाता है, मतलब उसके हृदय में जो, या उसके शारीरिक रूप में जो दैहिक, दैविक और भौतिक
तीन तरह के जो ताप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय से अहंकार खत्म हुआ तब हम ईश्वर में एकाकार हो गए, हमारी आत्मा परमात्मा के समीप पहुंच गई। ठीक है, चौथा दोहा है, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, यहां पर भी स स स वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, पूरा संसार सुखी है, केवल एक मैं ही दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर के करीब जाना चाहता हूं, मैं ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं, मैं इस संसार में व्याप्त वास्तविकता का अनुभव करना चाहता हूं, मैं शास्त्रीय ज्ञान से इतर व्यवहारिक ज्ञान में जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। पूरा संसार अपने पारिवारिक मोहमाया, अपने भोग विलास की वस्तुएं और अपने सांसारिक रिश्तों में, नातों में, सांसारिक जो रीतियां होती हैं उसमें उलझा हुआ है, इसलिए वह सुखी है, वह खाता है और सोता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए, पूरा संसार सुखी है, वह खाता है और सोता है, दुखिया दास कबीर है, दुखी केवल कबीर है। क्यों? क्योंकि उसे संसार की चिंता है, उसे परमात्मा से मिलन की चिंता है, उसे उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलने की इच्छा है, इसलिए वह दुखी है, जागे और रोए। वह जगता है और रोता है, वह हृदय में भगवान को बसाना चाहता है और ईश्वर की प्राप्ति हेतु विलाप करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चार दोहे देखा, जिसमें पहले दोहे में अच्छी वाणी बोलने की बात की गई थी, दूसरे दोहे में भ्रम का वर्णन किया गया था कि जिस प्रकार से हिरण अपने पास कस्तूरी होते हुए भी भ्रम के वशीभूत होता है, उसी तरह मानव सांसारिक मोह माया में लिप्त होकर के भ्रम में जकड़ा हुआ रहता है। तीसरे दोहे में हमने देखा कि जब हमारे अंदर अहंकार था, जब हम किसी तरह के बुराइयों से युक्त थे, तब हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ, जब ही हमारे अंदर से वह बुराई गायब हुई हम ईश्वर के निकट आ गए। चौथा दोहा था कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। इसमें कबीर दास जी बिल्कुल जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराते हैं कि पूरा संसार सुखी इसलिए है क्योंकि वह व्यवहारिकता में नहीं केवल सैद्धांतिकता में विश्वास रख रहा है, वह सांसारिक मोह माया में, सांसारिक रीतियों में, सांसारिक जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे तरीके होते हैं, उनमें उलझा हुआ है, इसलिए वह सुखी है। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं उनसे इधर ईश्वर से मिलन करना चाहता हूं। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चार दोहों की व्याख्या अगली वाली कक्षा में करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस कबीरदास की साखी पाठ से कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह दूंगा जो विगत बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे, और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को इन सभी दोहों की व्याख्या नोट्स के रूप में और कबीरदास जी की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इसको भी नोट्स के रूप में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप इसे नोट करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं दोहे की व्याख्या कर रहा हूं वैसे वैसे आप इसका नोट्स बनाते चले जाइए। जिन बच्चों को भी किसी दोहे को लेकर के कोई डाउट है, कोई परेशानी है, वह व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल हमसे कॉन्टेक्ट करेगा और फिर मैं उसको उस दोहे की व्याख्या फिर से करूंगा। कोई ऐसे शब्द या कोई ऐसे दोहे का प्रसंग अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप इस बात को ग्रुप पे डिस्कस कीजिए और फिर से मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। थैंक यू।